किसी पर कभी भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें दोस्तों, क्योंकि अंधेरे में ना परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। यानी कभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना आपकी वैल्यू को स्वयं डाउन कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि के लिए बेहद खास है, अति विशेष है। न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून को वक्री होने जा रहे हैं। 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनिदेव मार्गी से वक्री रहेंगे। अब जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपके जीवन में, मिथुन राशि के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रभाव आएगा, क्या बदलाव ये शनि के वक्र हो जाने पर आपको देखने को मिलेंगे। शनिदेव हर साल वक्री होते हैं दोस्तों, 130 दिनों से लेकर 140 दिन के आसपास। अब ये वक्री का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में अफवाह, भ्रांतियां, कंफ्यूजन रहती कि वक्री ग्रह क्यों हो जाते हैं और इसका मतलब क्या होता है वक्र हो जाने का। दोस्तों, वक्री का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि उल्टे ग्रह चलने लग जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, अपनी उल्टी दिशा में चलने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। क्या होता है कि सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार चलते हैं, यहां तक कि पृथ्वी भी। तो पृथ्वी से जब देखा जाता है किसी ग्रह को तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी अपनी गति के अनुसार चल रही है और कोई ग्रह उल्टा चल रहा है। उदाहरण, आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन रुकी हुई है और सामने वाली ट्रेन जब चलने लग जाती है अपनी गति के अनुसार तो आपको लगता है कि हम पीछे चल रहे हैं, आपको लगता है कि हम पीछे चल रहे हैं या फिर हमारी ट्रेन थोड़ी स्लो चल रही है, ऐसा लगता है। तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ग्रह वक्र उल्टे हो गए हैं लेकिन वो अपनी गति से स्लो हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि, लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। शास्त्र कहता है कि शुभ ग्रह वक्री हो जाने पर शुभता में वृद्धि कर देते हैं और अशुभ ग्रह वक्री हो जाने पर अशुभता में वृद्धि कर देते हैं। और जो ग्रह उच्च के होते हैं और वो वक्री हो जाए तो फिर वो अशुभ फल देने लग जाते हैं। अब ये कितना सच है और इसमें क्या सच्चाई है, क्या फल मिलेगा, ये जानते हैं। आपकी राशि से शनिदेव अभी आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान में, और 12 जुलाई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और फिर शनि की ढैया वापस से शुरू हो जाएगी 17 जनवरी 2023 तक। तो ये वक्र शनि आपको क्या फल देने वाले हैं, सबसे पहले दोस्तों 12 जुलाई से पहले पहले आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं ना, या सोच रहे थे किसी भी चीज में एडमिशन लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ले सकते हैं एडमिशन, आपके रास्ते खुल जाएंगे। जो आपको परेशानी चल रही थी ना, जो आपको डिले हो रहा था आपके पढ़ाई में, या ऑब्स्टेकल्स, या आपका माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा था, या कोई आपका एग्जाम था और वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी आपको, तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया, तो आपके पढ़ाई में अब मन लगेगा। दूसरा, हायर एजुकेशन करने में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे, या पाप प्रभाव में होंगे, या शत्रु के घर में जाकर बैठे होंगे, तो फिर वो आपको लॉस कर सकता है। या वहीं कुछ मिथुन राशि वाले व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूं, कोई भी काम शुरू करना चाहता हूं, किसी भी तरीके से शुरू करना चाहता हूं पार्टनरशिप में, तो फिर आपकी कुंडली में अगर शनिदेव नीच के होंगे, जैसे मैंने कहा पाप प्रभाव में होंगे, तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो भी अपनी कुंडली को दिखाइए, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है ये जानना जरूरी है। क्या पता आपकी कुंडली में शनिदेव भी वक्री हो, नीच के हो, ये जानना जरूरी है। इसके साथ में दोस्तों, आपके जो फादर हैं 12 जुलाई से पहले पहले, आपके फादर के स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा, उनको खाने पीने में ध्यान रखना है, कोई लॉन्ग ट्रेवल करते हैं तो वहां पर उनको ध्यान रखना होगा, कोई भी वाहन आप खरीदते हैं चलाते हैं ध्यान रखना होगा, वाहन पे बिना वजह के खर्चे हो सकते हैं, बिना वजह की यात्राएं आपकी देखी जा सकती हैं, बिना वजह के काम में टेंशन आपकी देखी जा सकती है 12 जुलाई से पहले पहले। 12 जुलाई के बाद दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिक्स आपके साथ में हो रही थी वो नहीं देखी जाएगी, जो शत्रु आपके ऊपर बिना वजह हावी हो रहे थे
वो नहीं देखे जाएंगे। कुछ मिथुन राशि वाले व्यक्ति अगर ऋण से परेशान थे या अपने कर्जे को लेकर ज्यादा डूबे हुए थे, कर्जे को लेकर ज्यादा परेशान थे, तो 12 जुलाई के बाद ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल कर्जे हट जाएंगे आपके, लेकिन एक रास्ता खुलता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर चलना होगा। 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर चलना ही होगा, क्योंकि जब शनिदेव अष्टम भाव में आएंगे और फिर वक्री हो जाएंगे, और अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। अपने घर में तो रहेंगे, कोई मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन जैसे कफ कोल्ड होना या त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम होना या फीवर एकदम से आ जाना, तो ये थोड़ा बहुत परेशानी में डाल सकता है। और वहीं वक्र शनि की दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ेगी, आपके सेकंड हाउस पर, तो बिना वजह, बिना किसी रीजन से आपके घर परिवार में वाद विवाद देखा जा सकता है, बिना किसी वजह के कारण। और आपके आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, किसी कंपनी के ऑनर हैं या एक अच्छी पोस्ट पर हैं, तो अपनी वाणी पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक आपकी वाणी ही है जो आपको आगे और पीछे लेकर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपके शत्रु भी बन सकते हैं आपकी वाणी की वजह से, क्योंकि कंट्रोल नहीं होगा आपको अपने ऊपर। इनपेशेंट हो जाएंगे आप, कभी कभी धैर्य की कमी हो जाएगी, अपने काम में ज्यादा जल्दबाजी दिखाएंगे। इंटरेस्ट तो होगा अपने काम में, रुचि होगी, लेकिन जल्दबाजी ज्यादा हो जाएगी कि मैं जल्दी जल्दी काम को करूं, ऐसा थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। वहीं कुछ मिथुन राशि वाले व्यक्ति अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे थे, या फिर ट्रांसफर करना चाह रहे थे, या दूसरे सिटीज में जाना चाहते थे, या फॉरेन ट्रैवलिंग की सोच रहे थे, तो ये शनि जब अष्टम भाव में आएंगे 12 जुलाई के बाद, तो एक अच्छा योग आपका बनता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक क्लेश पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा हूं। और इसके साथ में अगर आपके प्रॉपर्टी में वाद विवाद चल रहे थे, तो और अगर आपकी जो पुराने कोई किसी भी चीज को लेकर कोई आपका रुका हुआ काम था, रुका हुआ धन था, आपको धन नहीं मिल पा रहा था, किसी को पैसे देने थे लेकिन आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो 23 अक्टूबर से पहले पहले वो संभावना है, पॉसिबिलिटीज है कि वो आपको मिल जाए। और इसी के साथ मिथुन राशि वाले व्यक्ति अगर पहले से ही व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका व्यापार बहुत तेजी से तो नहीं लेकिन मीडियम चलेगा, बहुत डाउन भी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा चिंता तो रहेगी अपने व्यापार को लेकर कभी कभी बीच में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ ऐड करूं अपने व्यापार में, कुछ अलग तरीके से करूं, कुछ प्रमोट करूं, ऐसा आपके मन में अपने व्यापार को लेकर आ सकता है दोस्तों। ये बताया मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि वाले व्यक्ति को, एक अचूक उपाय। सबसे पहले दोस्तों आपको रोजाना गणेश भगवान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा आप अवश्य करिए, और इसके बाद आपको बुध ग्रह का बीज मंत्र करना है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः 108 बार बुध ग्रह का बीज मंत्र अवश्य करें आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके। और शनि की ढैया शुरू हो जाएगी 12 जुलाई से, तो सूर्य अस्त हो जाने के बाद शनि देव का बीज मंत्र भी अवश्य कीजिए, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सनिश्चराय नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।